नमस्ते अंकल। नमस्ते, आपके लिए अभिमन्यु जी ने एक पार्सल भेजा है, देखेंगे। थैंक यू अंकल। जब मैं जादू करता हूँ दुनिया को काबू करता हूँ, अब आया भी मेरे चंगुल में। कितना अच्छा है। अब हमें दो दो करके खेलने की जरूरत भी नहीं, हम सब साथ खेल सकेंगे। हम जीत गए। दोस्तों हम कहाँ हैं? हम गेम के अंदर है। हम गेम के अंदर है। लेवल 1, सेव योर फ्रेंड। दोस्तों फर्स्ट लेवल के लिए तैयार। लेवल 1 कंप्लीट। तो तुम इस लेवल में तो बच गए, लेकिन अगले लेवल में बच नहीं पाओगे। लेवल 2, मेक द एनिमी योर फ्रेंड। दोस्तों ये लेवल 2 है। लीडर रोबोट का चश्मा निकालना है, फिर वो खुद ब खुद हमारा साथी बन जाएगा। लेवल 2 कंप्लीट। ये अब हमारा साथी बन गया। लेवल 3, विन योर फ्रीडम। भीम, ये जादूगर जगीरा है, जल्दी कुछ करो वरना वो हमें यही कैद कर लेगा। दिन कैसा रहा? गेम मिला? मजा आया? छाया, रौनक शहर आज आखिरी उत्सव मनाएगा। समय आ गया है कि रौनक शहर की सारी जनता अब मेरी खातिरदारी में लगे। आज सबकी परछाई को मैं अपनी फौज में शामिल कर लूंगा। आगे बच्चों, चलो तैयार हो जाओ। अच्छा तो बच्चों इधर आओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। जग्गू, तुम कंट्रोल रूम में लाइट और माइक संभालोगे हैं? बाकी तो तुम सब जानते ही हो। ऑल द बेस्ट, नाटक अच्छे से करना, सोच समझ के। Thank you.
अपने उस्ताद थोड़े अजीब नहीं लग रहे? अरे ये उस्ताद अपने साथ कौन सी बला ले आए? ये कालिया अचानक इतना बड़ा कैसे हो गया? अरे रे रे कालिया, ये क्या कर रहे हो? किसे ले आए अपने साथ? ये अजीब सी दिखने वाली चीज क्या है? और अपनी लाइनें बोलो सोच समझ के। नाटक के अंदर नाटक, वाह 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 वाह, जीनियस जीनियस जीनियस। अरे ये हो क्या रहा है? कालिया ये अजीबोगरीब हरकतें क्यों कर रहा है? नहीं राजू, ये कालिया हो ही नहीं सकता, पर मुझे ये कोई जाना पहचाना इंसान लगता है। सही कहा चुटकी, ये माया भी आया है और ये उसकी छाया, हमें उसे रोकना होगा। वाह 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 वाह, एकदम नेचुरल विजुअल इफेक्ट्स हैं इस नाटक के, वाह 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 वाह। हाँ, ये कैसे, अब आखिर ये चल क्या रहा है? आखिर तुम चाहते क्या हो मायावी? क्यों हमारा नाटक खराब कर रहे हो? लग गई। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, ये विलन तो हीरो से भी ज्यादा ताकतवर है, एकदम पुराने स्टाइल के डायलॉग बोलता है, अभी तो असली मजा शुरू हुआ है। हाँ? मायावी। मेरे छायावी सैनिकों, इन्हें पकड़ो। तुम सचमुच महान योद्धा हो तो हम बेचारे बच्चों को क्यों सता रहे हो? वाह, क्या इमोशन है। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैं थोड़ा डर गया था और फिर मेरी आंख लग गई और न जाने किसने मेरे कपड़े चुरा लिए। सो जाते हैं दोस्तों। भीम के सपने में कुछ ज्यादा ही खुशी है। इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। उठो उठो भीम। उठो, ये सपना है, ये सचमुच मेरा सपना है। इसे
इसका मतलब मेरे दोस्त बिल्कुल ठीक है और मुझे बस इन दोनों को हराना होगा, तभी मैं जागूंगा। चराकी, बुरी परी, इतनी जल्दी भी क्या है? अरे ये क्या हो रहा है? बहन हम छोटे क्यों हो रहे हैं? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। देखते जाओ। ठीक हूँ दोस्तों, बस बुरी परी और चराकी को ठीक करना है। हमें माफ कर दो, हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें जाने दो। पर तुम्हें हुआ क्या था भीम? हाँ हाँ बताओ क्या हुआ था। नींद में भी मेरा भट्टा बना दिया तुमने। माफ करना कालिया, दरअसल मैं एक सपना देख रहा था जिसपे बुरी परी और चराकी ने कब्जा कर लिया था और मैं नीचे गाड़ी में वेट करता हूँ, तुम लोग जल्दी से आ जाओ। बस अभी आए। लग नहीं रहा कि तुम जल्दी से नीचे आ पाओगे। सामान कुदरती चीजों से बना हुआ है, ये सब के इस्तेमाल के लिए सेफ है। ए, इस पाउडर ने तो कमाल ही कर दिया। इतना तो सूरज भी नहीं चमकता होगा जितना मेरा चेहरा चमक रहा है। ओ नो, अब हमारा सैंडविच कैसे बने? लगता है पावर फेलियर की वजह से पापा लिफ्ट में अटक गए। मैं अभी आता हूँ। पापा आप ठीक तो है ना? हाँ भीम मैं ठीक हूँ। न जाने आज कैसे अचानक पावर फेलियर हो गया। यहाँ पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। खैर छोड़ो, तुम सब तैयार हो गए? जोकर है। हाँ, ये तो जादूगर है। Ha ha ha!
तिमाही का बादशाह लौट आया है। तुम लोगों ने मुझे मूर्ति के श्राप से मुक्ति दिला दी है। अब तुम देखोगे रौनक शहर की तबाही एक बार और। मस्ती टाइम शुरू। अब सब देखो मेरा निशाना। सभी बच्चे सही सलामत हैं। न जाने आज क्या गड़बड़ हो रही है। अरे भाई ट्रक आ रहा है, रास्ते से हट जाओ। मेरे जमाने में 100 घोड़ों के रथ पर सवारी करता था मैं, और ये पित्ती इंसान लोहे के डिब्बे में सवारी करके मुझ पे चिल्ला रहा है। अभी दिखाता हूँ इसे। अब मजा आ रहा है, तबाही का बादशाह लौट आया है। ओए पत्थर के जोकर, नाटक शाला में जाकर अपना नाटक कर, वरना ना समझ बच्चे, मैं बादशाह हूँ, तबाही का बादशाह। लगता है इस शहर के लोग मेरी शक्ति को भूल गए हैं। सबको याद दिलाऊंगा, सबको। हम इसे नहीं हरा पाएंगे भीम। हम हार नहीं मान सकते चुक्की। अगर पत्थर को तोड़ना है तो हमें भी पत्थर ही बनना होगा। हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ दोस्तों। मजा आ रहा है ना? मजा ही आ गया। नेक्स्ट कौन दो लोग जाएंगे? अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? मुझे नीचे उतारो। भाड़ में गए पैराग्लाइडिंग। मैं जमीन पे ही अच्छा था। नहीं उतारो। कुछ नहीं होगा कालिया, यहाँ देखो चिड़िया भी तो उड़ रही हैं। तुम बस लंबी लंबी सांसें लो और मजे करो। अरे नहीं,
हो कालिया, डरो मत, ये कोई दानव नहीं नीले बादल हैं। अरे नहीं, उस दानव ने चिड़िया को जख्मी कर दिया, देखो। लगता है अब मेरी बारी है, भागो। ये देखो बच्चों, ये है रौनक शहर की सबसे ऐतिहासिक मूर्ति। वाओ, ये रौनक शहर कितना अनोखा है। हम जब भी यहाँ आते हैं कुछ न कुछ नया देखने को जरूर मिलता है। जैसे कि राजू के सर पर उगे ये नए उजले बाल। अरे बच्चों, लड़ना बंद करो और इसे देखो। इस मूर्ति की सबसे अनोखी बात ये है कि इसे तीन महान शक्तिशाली जादूगरनियों ने सालों पहले अपने जादू से बनाया था। अब रगड़ा ब्रा, छू 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 मत कर, वो जादू होता है ना, मैजिक मैजिक। तभी ये इतना अलग लग रहा है। गेंडे में तुम लोगों को इतना अनोखा आखिर क्या दिख रहा है? वही दो आंखें और वही नाक पर सींग और वही पूंछ। मेरे पास अगर जादू होता तो मैं तो कुछ ऐसा बनाता जो कभी किसी ने ना देखा हो। तुम राइनोसोरस नहीं, डायनासोर्स बनाते ना। जग्गू, इसे लिफ्ट कहते हैं, ये हमें ऊपर ले जाएगी। ऊपर मतलब? मतलब ऊपरी मंजिल पर। परेशान मत करना मुझे। पापा। बोलो भीम। पिछली बार आपने मुझे मस्ती हैंडशेक सिखाया था, हम अभी एक बार करें, बहुत मजा आएगा। ये तो हमारा मस्ती हैंडशेक नहीं है। अब आज से ये हमारा नया मस्ती हैंडशेक है। मुझे कागज ढूंढने दो, हटो हटो। पापा को मस्ती हैंडशेक याद नहीं? ऐसा नहीं हो सकता, ये शख्स मेरे पापा नहीं है।
मुझे लगता है ये मेरे पापा की शक्ल में कोई और ढोंगी है, एक बहरूपिया। पर हम ये कैसे जान पाएंगे? तुम्हारे पापा, मेरा मतलब उस ढोंगी का चेहरा कैसे उतारेंगे? और तुम्हारे असली पापा कहाँ हैं? इस ढोंगी ने जरूर मेरे पापा को कहीं छुपा रखा है। पापा का पता लगाने के लिए इस ढोंगी का असली चेहरा देखना ही होगा। पापा, मुझे लगता है आपने हथियार के कागज अपने ऑफिस में ही रखे होंगे, किसी सुरक्षित जगह पर। आपको वहाँ एक बार और ढूंढना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रहे हो भीम, मैं अभी ऑफिस जाकर ढूंढता हूँ। थोड़ी स्केटिंग हो जाए। अब देखो कमाल। अब मुझे इस मास्क की जरूरत नहीं है। तुम्हारा खेल खत्म क्रूर। मेरे पापा लाखों में एक हैं। उनकी शक्ल लगा लेने से तुम मुझे बुद्धू नहीं बना सकते। हाँ क्रूर, भीम के पापा ही सबसे बेस्ट हैं। तो सुनो भीम, तुम्हारे लाखों में एक पापा मेरे कब्जे में है। अगर उनकी सलामती चाहते हो तो मुझे रौनक शहर के खुफिया हथियार बनाने के कागज ला कर दे दो, वरना मेरे पापा अपनी सुरक्षा से पहले लोगों की परवाह करते हैं। हम वो कागज तुम्हें कभी नहीं देंगे। बताओ मेरे पापा कहाँ हैं? रौनक शहर के हॉल में है। मुझे पकड़ लो या उसे बचा लो भीम, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है, उसके बाद एक बड़ा धमाका होगा। ओहो, अरे नहीं, क्रूर हमारे हाथ से निकल गया। उसे हम बाद में पकड़ लेंगे कालिया, मेरे पापा को बचाने के लिए सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, जल्दी चलो। बराबरी के किसी को क्यों नहीं चुनते? अभिमन्यु, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। दोस्तों, ढोलकपुर का सीसो याद है? याद है। उस्ताद, लगता है सही वक्त आ गया है। सही वक्त पे सही बंदा हाजिर है। भीम, तैयार? तैयार। मैं इतनी आसानी से हारने वाला नहीं। अब तुम नहीं बचोगे मेयर। अभिमन्यु, हमें इन पर पहले से ही शक था, लेकिन कोई पुख्ता सबूत ना मिलने की वजह से हम चुप थे। मैं समझ सकता हूँ इंस्पेक्टर साहब, इसको अरेस्ट करवाने से मेरा काम तो पूरा हो गया। नहीं नहीं, अभी नहीं मिस्टर अभिमन्यु, आपको कुछ दिनों के लिए मेयर का ऑफिस संभालना होगा, जब तक नया मेयर नहीं चुना जाता। अच्छा ठीक है।
वैसे बच्चों, इतनी फाइट के बाद बहुत भूख लग रही है, क्यों ना थोड़ी पेट पूजा हो जाए।